हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, इसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंड हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको एआई कहते हैं। एंड मैं अपनी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँ। एंड होप सो कि आपको लाइक हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और शेयर भी कर देना, क्योंकि होप बहुत ज़्यादा है आपसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जहाँ तक बात है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का एक ऐसी जगह है जहाँ पे मशीन्स को हम इंगेज करते हैं, ह्यूमन की तरह, मतलब इंसान की तरह दिमाग देने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर साइंस का वो एरिया जहाँ हम फोकस करते हैं मशीन्स को ह्यूमंस की तरह बिहेव करने के लिए, उनकी इंटेलिजेंसी देने के लिए। एंड मशीन्स को हम उस इंटेलिजेंसी इस तरीके से करते हैं। ये चीज़ें बहुत पुराने वक्त से चली आ रही हैं। एक्चुअली में ये रिसर्च जो 50 साल पहले से हो रखा था, एंड उससे पहले भी रिसर्च होता रहता है कि मशीन्स जो हैं किस तरीके से इस टेक्निक पे प्रोग्राम की जाए। और हम आज उस जो मेहनत है 50 साल से, उसको हम रियलिटी में आज 2024 में देख रहे हैं। एक और भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी करके एक सिस्टम बनाया जा रहा है, तो वो भी आने वाले 10 साल में शायद वो भी हमें देखने को पड़ जाए, जिसमें इन जो मशीन्स हैं वो लाख दुगना बेटर तरीके से बात कर सकती हैं, सोच सकती हैं और रिस्पॉन्स कर सकती हैं ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में। तो वो जो है वो भी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, एंड उस तरह की क्रिएशंस हो रही हैं। तो जो रिसर्च जो हमारे अभी की चल रही है, वो यही रिसर्च चल रही है कि मशीन जो है, मशीन किस तरीके से स्मार्ट वर्क करें और ह्यूमंस की थॉट को मिमिक करें और उनकी स्पीच को समझें, एंड उनकी एक जैसे एक बेस्ट प्लेयर, चेस प्लेयर की तरह वो भी उनके साथ खेलें। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कंप्यूटर को हम ये बताते हैं कि वो इंसान से बेहतर किस तरीके से काम कर सकते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल आइडिया ऑफ द आर्टिफिशियल AI। तो AI का जो सबसे बड़ा ये है कि AI कंप्यूटर में और ह्यूमन बींग्स में क्या फ़र्क है। तो कंप्यूटर जैसे न्यूमरिक में जो भी काम होता है वो बहुत ही फास्ट कर देते हैं। कोई भी काम हम देते हैं उसको, तो वो उस काम को बहुत ही फास्ट कर देता है। एंड जो ह्यूमन बींग, जब मैं कोई काम करता हूँ तो जमाई आने लगती है, वीडियो को एडिट नहीं कर सकता वीडियो को, क्योंकि वन टाइम मैं कहीं पे हूँ अभी, एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वीडियो डालनी है। एंड मुझे जब तक मैं वीडियो बना रहा था या कंटेंट लिख रहा था या मैं कंटेंट के बारे में सोच रहा था, तब तक मुझे तो एक बार भी जमाई नहीं आई। बट अभी पढ़ा रहा हूँ तो जमाई आ रही है। मैं रात में ही वीडियोस को बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, क्योंकि दिन में मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, एंड शाम में मैं अपना तैयार वार खाना वाना खा के रात में मुझे टाइम मिलती है, एंड देन फिर सुबह में जाना है, तो नींद सही से पूरी नहीं हो पा रही है। सो जो न्यूमेरिकल काम है वो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से कर लेता है, एंड ह्यूमंस का जो काम करने का तरीका वो स्लो होता है। अब आते हैं लार्ज इन्फॉर्मेशंस। जो कंप्यूटर है वो लार्ज इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर लेता है और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है, जहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं और काम थोड़ा स्लो करते हैं।
फास्ट रिपीटेटिव ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे स्लो होते हैं किसी काम को हम करेंगे तो। यहाँ पे न्यूमेरिक प्रोसेस है, यहाँ पे ह्यूमंस बीइंग में सिंबॉलिक प्रोसेस होता है। कंप्यूटर जो है वो मशीन है और उसके पास दिमाग नहीं होती, फीलिंग नहीं होती है, और ह्यूमंस बीइंग्स जो है एक इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट है, जिनको अगर उर्दू में बोलते हैं अशरफुल मखलूकात, सारे मखलूकात में से अशरफ है तो वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो सिंबॉलिक प्रोसेस जो होता है हमारा, कि सिंबॉलिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक, जो हमारा कंप्यूटर साइंस में हम डील कर रहे हैं सिंबल से, नॉन एल्गोरिथमिक मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो सारी चीज़ें जो हैं हम करते हैं। तो ये सारे डिफरेंस आ जाते हैं कंप्यूटर में एंड ह्यूमंस बीइंग में। बार बार मुझे चेक करना पड़ता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं सही तरीके से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चेस, तो एआई बेस्ड गेम है। अब उसको कैसे प्रोग्राम किया गया है, कैसे क्या किया है, ऐसा क्या है कि जो कंप्यूटर है वो इतना अच्छे से ह्यूमन बींग के एक अच्छे अच्छे खिलाड़ी को हरा रहा है। तो वो रीज़न यहाँ पे मैंने मेंशन करना है कि जो एआई बेस्ड गेम है, प्रोग्राम जो हम इंटरटेनमेंट्स में इंटेलिजेंसी को ऐड कर दिए हैं, एंड एआई से जो चेस जैसे गेम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। एंड वो जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियन जैसे कोई भी गेम हो तो वो एक मूव में 20+ मूव्स एडवांस में सोच सकते हैं, लेकिन जब उनके पास प्रोग्राम अच्छे तरीके से कर दिया जाता है तो चेस के जो प्रोग्राम है तो वो चेस के जो प्रोग्राम इतने हाई डिफरेंसिंग कर दिए जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग की तरह भी बिहेव नहीं करते हैं। इन जो डीप थॉट है उनके जो मास्टर हैं वो 1.6 बिलियन मूव सोच सकता है। आप सोचते हैं कि उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि जो भी हमारा ह्यूमन चेस का एवरेज जो मूव होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब एक थोड़ी देर पहले मैंने एक मूव सोचा, लेकिन जो एआई बेस्ड जो है वो इतने सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस इतने सारे मूव लगा लेता है, इतनी तेज़ी में सोच सकता है। तो जो सैमन है वो सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमंस जो चेस मास्टर हैं वो जो हैं फैमिलियर होते हैं कि उनके बोर्ड की क्या पोजीशन होती है, और उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ही 1000 पीस ऑफ स्मॉल एरिया में है। इवन कंप्यूटर जो है वो इस तरीके के मूव को बहुत तेज़ी से कर लेता है। तो चेस का जो प्रोग्राम है, जो हमारे रेटिंग दी जाती है, वो काफ़ी हाई लेवल की है। आप सोच लो कि एक ह्यूमन एक प्रोग्राम के अंदर में एक इंसान जो इतनी तेज़ी से खेल रहा है और उसके पास इतने सारे मूव उसके अंदर डाले गए हैं, उसको लर्निंग सिखाई गई है, 126 मिलियन मूव्स उसको सिखा दिए गए हैं, जो एक इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान को हम जो आने वाली कल में 2 मूव्स कर सकता है, 20 मूव्स आगे के सोच सकता है, पीछे के सोच सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो चेस प्रोग्राम है वो ह्यूमंस की तरह नहीं खेलते हैं। 3 मिनट के अंदर डीप थॉट जो होता है कंसीडर, वो 126 मिलियन मूव सोच लेता है विद इन 3 मिनट। और ह्यूमन का जो एवरेज होता है कंसीडर, लेस देन 2 मूव्स वो सोच सकता है 3 मिनट के अंदर में। ये सारी डिफरेंस आ जाती हैं कि हम एआई को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। एंड जो वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेइंग प्रोग्राम कैन बी सी आई है 20+ मूव्स इन एडवांस फॉर ईच मूव्स दे मेक। तो आप ये सोच सकते हो कि उसके अंदर किस तरीके से ये 120 मिलियन मूव्स डालेंगे, वो आगे हम बताएंगे। एंड नेचुरल थ्योरम प्रूविंग, थ्योरम प्रूफ करने में बहुत ही ज़्यादा एआई सक्षम है एंड बहुत सारे थ्योरम्स को प्रूव कर देता है। एंड एक है नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग। एक्चुअली में क्या है कि हमने कभी भी सोचा है
समझा है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर पे काम करता है, जो हम डालते हैं ए बी सी डी वो, लेकिन एक नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी उर्दू, ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर को इस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है कि वो हमारे नेचुरल लैंग्वेज को समझे, ना कि वो अपनी लैंग्वेज को समझने में, जैसे उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो हमारी लैंग्वेज को एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट समझे। समझ रहे हो? जैसे हम रोबोट से बात करते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, क्या है क्या है, वो उस लैंग्वेज को रीड करके आपके लिपसिंग को, आपके वॉइस स्पीच को, आपकी वर्ड्स को रीड करके, उसे एनालाइज करके एंड देन वो डेटा देता है हमको। तो दिस इज़ द फैक्ट अबाउट द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर क्या है, यूटिलिटी जो है हमारे कंप्यूटर की बहुत ही लिमिटेड बाय कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं इसके अंदर, एंड वो मैंने बताया कि ट्रेडिशनली जो प्रोग्राम है हमारा, सेट ऑफ प्रोग्राम है या कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, अब उनके अंदर इनेबल किया जा रहा है कि ह्यूमंस की जो लैंग्वेज इंग्लिश है उस तरीके से उनके कंप्यूटर को ट्रेन किया जाए। तो नेशनल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस फॉलो किए गए उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए ऑर्डिनरी इंग्लिश में, एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड पीपल मोर इजली। तो सबसे पहले तो ये नेचुरल लैंग्वेज जनरेशंस में क्या हुआ कि कंप्यूटर को मतलब कंप्यूटर प्रोड्यूस अ ऑर्डिनरी लैंग्वेज सो दैट कैन पीपल अंडरस्टैंड कंप्यूटर मोर देन ईजली। तो वहाँ पे एक तरफ तो इनपुट ले रहा है, एक तरफ आउटपुट भी उस तरीके से दे रहा है कि इंसान समझ सके कि कंप्यूटर क्या बोल रहा है। एंड वॉइस एंड स्पीच रिकग्निशन जो होते हैं ये भी हमारा एआई बहुत अच्छे से कर लेता है। रोबोटिक्स जो है हमारा यहाँ पे, रोबोटिक्स जो है इलेक्ट्रो मतलब कोई भी मशीन्स को अगर हम काम देते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं रोबोटिक्स, ठीक है। जब आप कभी भी एक्चुअली में क्या है ना, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ एंड फोटोज़ ऐड करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन आजकल YouTube की इतनी पॉलिसीज़ हो रही हैं कि कॉपीराइट की वजह से ना स्ट्राइक बहुत आ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐड किए थे 30 सेकंड के, इवन मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे उसको भी उन्होंने म्यूट कर दिया, एंड छोटी छोटी वीडियोज़ भी मैं डाल रहा हूँ अगर ऐड कर रहा हूँ तो वो भी पता नहीं स्ट्राइक आ रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे एक स्ट्राइक मिले या येलो मिले, आई डोंट वॉन्ट दिस। सो इस वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ, इवन मैं यूज़ करके देखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चैनल पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, लो हो रहा है। तो होप्सो कि रोबोटिक्स में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस उसको प्रोग्राम करते हैं एक मैनुअल टास्क के लिए। जैसे अगर आपको रोबोटिक्स देखना है, आप किसी कार फैक्ट्रीज के अंदर चले जाओ, वो काम कर रहे हैं, वो सारा हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते वहाँ पे ये रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो वो रोबोट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि मल्टी फंक्शंस के लिए उनको उस तरीके से मूवमेंट, उनके टूल्स को इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो अपने टास्क को कर सकें, और वो टास्क जो मैकेनिकल वर्क उसको कौन करा रहा है, हमारा इंटेलिजेंस, जो रोबोट के अंदर जो हमने सेंसर डाल रखे हैं और जो भी कैमराज हैं वो जिस तरीके से सेंस करके उस काम को माइंडलेसली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमने वो दे रखा है। तो अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। ये फोटोज़ मैंने ऐड की इसके अंदर कि किस तरीके से एक यूएसबी से आपके दिमाग में डेटा भर दिया जाता है। दिस इज कि एक यूएसबी लगाने से आपके दिमाग में किस तरीके से एक डेटा को भर दिया जाता है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो कॉन्सेप्ट जो है हमारे, वो कंप्यूटर के जो सिस्टम जो है, कंप्यूटर के जो सिस्टम को अगर हम समझ सकें कि उनके ओन एक्सपीरियंस या सॉल्व जो कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिफरेंट सिचुएशंस में, उस तरीके से हम, और आने वाले कल में ये बहुत बड़ी चीज़ है मैनकाइंड के लिए, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पर्सनल डेटा हैं, फ्यूल्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे इस सारे कामों को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आराम से कर सकता है।
मैं जब तक बना रहा था मुझे नींद नहीं आ रही थी, एंड आई एम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे नींद आ रही है, और मुझे ये सारी चीज़ें एडिट करना थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा फैमिलियर इस तरह से रहना चाहता हूँ कि क्लास जो हो रही है उसको एडिट करके नहीं, बल्कि जो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके सामने रखूँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट 1985 से चल रहा है, 1980 के अंदर में मशीन लर्निंग की प्रोसेस चालू की गई, और 2010 के बाद हम डीप लर्निंग में आए। तो आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग और डीप जो लर्निंग है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सिनोनिम्स की तरह है, कि एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। एंड आर्टिफिशियल्स वो अम्ब्रेला, एक छाता है जिसके अंदर, आर्टिफिशियल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग आ जाती है। तो हम इसको ऐसे कहते हैं, अ सेट ऑफ टेक्निक टूल्स अलाउ कंप्यूटर टू थिंक बाय क्रिएटिंग मैथमेटिक। एक ऐसे सेट ऑफ टेक्निक है जहाँ पे कंप्यूटर को हम कहते हैं कि आप थिंक करो, आप सोचो, और उसके अंदर मैथमेटिकली हम एल्गोरिथम्स देते हैं, उसके पास डेटा देते हैं, और वो इंडिपेंडेंटली ह्यूमंस की तरह सोच सकता है। डीप लर्निंग क्या होती है? अब आते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक ऐसी मशीन्स की फॉर्म है, ठीक है, डीप लर्निंग एक ऐसी मशीन्स की फॉर्म है। सम टाइम ऑफ डीप लर्निंग ऐसी होती है कि जो हमारे न्यूरल नेटवर्क की बेसिस पे जैसे हमारा काम करता है, उसी तरीके से हम डीप लर्निंग को भी काम कराते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम जानना चाहते हैं कि डीप लर्निंग यहाँ पे, तो डीप लर्निंग इज़ द फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग, ये हम कह सकते हैं। सम टाइम ऑफ डीप लर्निंग बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एज द ब्रेन्स न्यूरॉन्स नेटवर्क, ओके। द सिस्टम ऑफ द टाइप्स आर ऑफन ऑन द नोन सेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा हेल्प टू सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम्स ऑफ, यहाँ पे जो टू कैरी आउट द टास्क, दिस इज कंडीशनल्स ऑन द नेटवर्क इट सेल्फ एंड डिटरमाइन द करेक्ट रिस्पॉन्स टू सॉल्विंग द टास्क द मैटर फी। मतलब हम, मैं आपको ये बता रहा हूँ, डीप लर्निंग में हम उसको सिखाते हैं, उसको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके पास डेटा देते हैं, एंड देन वो अपने आगे में कंक्लूजन्स देता है। तो मशीन्स जो लर्न करने का बहुत सारे तरीके हैं, वो हर लर्निंग प्रोसेस को हम इसके अंदर जानेंगे कि सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर इसमें भी थोड़ा मैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। मशीन लर्निंग तो हम समझ गए। तो जो डेवलपिंग एआई का जो हमारा इनपुट है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा हम इनपुट करते हैं मशीन्स के अंदर, ठीक है। तो मशीन्स के अंदर पहले फर्स्ट से हमने बहुत सारे डेटा, ये हमने बहुत सारे डेटा पेपर्स हमने ये लिया। अब देखो ये 010101 करके ना, ये बाइनरी कोड में हमने इसको दिया, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा मॉडल, इसको कहते हैं मॉडल। यहाँ से इनपुट आ रहा है, यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है, तो ये मैं बताता हूँ मैं आपको। तो वन से मैंने दिया, अब जैसे लर्निंग स्टार्ट एंड सेलेक्टेड पैटर्न एंड सिमिलरिटी, अब यहाँ से हमारा लर्निंग स्टार्ट हो गया, मशीन लर्न करना शुरू हो गए। बाय यूजिंग मशीन लर्निंग द पैटर्न फाउंड इन द इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाई, यहाँ से ये पैटर्न बन गया और हमारा इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो गया। एंड द मॉडल इज जनरेटेड कैन रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड इमर्ज द फ्रेश डेटा प्रोड्यूस द मॉड बाय द मॉडल। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये आप ये सारी चीज़ें छोड़ो, ये कहाँ क्या लिखा हुआ, ये मैं बता रहा था कि हमने एक इनपुट दिया, हमने बहुत सारी फाइल्स को उठाई, और उठाने के बाद हमने उस इनपुट को हमने अपलोड किया। एंड एक्चुअली क्या है, मॉडल जो है, मॉडल एक छाता की तरह है समझो, एंड जहाँ पे फाइनल आउटकम को लर्निंग बताया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्केच बनाता हूँ। पहले हमने एक मॉडल लिया, एक मॉडल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, जिसके अंदर मैं बहुत सारे इनपुट डाल रहा हूँ, इनपुट को आई डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आउटपुट भी डाला, इसको मैंने ओ डाला। तो ये इनपुट एंड आउटपुट जो है,
ये मिला के एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल, एक मॉडल मैंने तैयार कर दिया कि हमारे पास इतने सारे इनपुट आएंगे और इन सारे इनपुट के ये सारे आउटपुट हैं। तो हमने इसको बेसिकली मशीन लर्निंग शुरू करवा दी, हमने एक मॉडल बना दिया। अब इस मॉडल के बाद एक फ्रेश इनपुट जब डालेंगे इसके अंदर, एक फ्रेश इनपुट एफ से मैंने डाल रहा हूँ, ये फ्रेश इनपुट एफ से हो गया फ्रेश इनपुट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा इसका इंतज़ार रहता है। अब ये क्या आउटपुट देता है ये होता है। और फिर हम जब इसके इनपुट और आउटपुट से मैच करते हैं तब हमें लगता है कि हमने एक सही चीज़ बनाई है। तो मॉडल मॉडल रिसीव डेटा सिमिलर टू यूज फॉर द लर्निंग, जिसको कह सकते हैं। अब मॉडल डिसाइड विच पैटर्न द डेटा एंड मोस्ट रिजेंबल। तो मॉडल के अंदर सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो मॉडल जो है, अब हमारा इनपुट और आउटपुट लेने के बाद जब हम फ्रेश इनपुट देते हैं तो वहाँ पे वो काम करता है। अब जैसे कि मॉडल, जैसे स्ट्रीम टीवी सीरीज, अब एक जैसे कि हम जो इलेक्शंस का ले लेते हैं। अब क्या है, इलेक्शंस के अंदर में क्या होता है कि हम बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डाटा अलग अलग स्टेट का डाल देते हैं, ठीक है। अब कि इस स्टेट में अंदर ये जीता वो हारा, वो जीता वो हारा, कब क्या हुआ, कब कैसे हुआ, किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर चेंज हुए, किस तरीके से वोटिंग पैटर्न चेंज हुए, वो सारा चीज की इतने परसेंट जब वोट गए तो कौन जीता, इतने परसेंट वोट पे कौन जीता, ये सारे इनपुट और आउटपुट जो प्रीवियस साल के थे वो सारे हम एक डाल देते हैं उसके अंदर। एंड सर्वे भी, जैसे एग्जिट पोल में क्या होता है, हम सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, कुछ लोगों की डेटा लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको अपने, जब जब हमारी रियल काउंटिंग शुरू होती है तो वो सारे इनपुट इसके अंदर डालते रहते हैं और हमारा आउटपुट देता रहता है कि अब यहाँ से कौन जीत रहा है, यहाँ से कौन जीत रहा है, यहाँ से कौन जीत रहा है। तो रियल आउटपुट उस वक्त आता है। और जब हमारे पास जो सर्वे करने के बाद जो हमने इनपुट डाला तो वहाँ से आउटपुट देता है कि ये जीत सकते हैं, एग्जिट पॉल जिसे कहते हैं, एग्जिट पॉल जिसे कहते हैं। तो एक तो हमने उसको लर्न कराया कैसे, हमने बहुत सारे डेटा देके एक मॉडल बना दिया कि ये देश में इन पूरे साल में, इन जब से इलेक्शंस हो रहे हैं ये सारे डेटा हैं और अलग अलग कैंडिडेट के ये डेटा है, एंड उसके बेसिस पे वो सारा सेग्रीगेट कर लेता है। तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। अब आते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज का मतलब होता है कि हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड करने का मतलब यह है कि हम उसको एक इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके का, इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके का चीज़ दे रहे हैं। एंड सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो गया कि हमने इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिया। अब हम इसे कहते हैं जब हम फ्रेश डेटा डालेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होता है अब मेरे को डेटा आना चाहिए। जैसे मान लो हमने इस मॉडल को सुपरवाइज किया, इसको हमने सिखाया, कहाँ चला गया यार ये, यहाँ तक पड़ता है, हम क्या है, रिकॉर्डिंग तो हो रहे हैं ना, हो रहे होंगे। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम एक लेबल डेटा जो सुपरविजन्स परफॉर्म करते हैं। अब जैसे कि दो अलग अलग डेटा दे दिया हमने, जैसे 80 और 20 के स्प्लिट में 80% ऑफ डेटा जो हम ट्रेंड मॉडल से हैं, 20% जो हम वेरीफाई हाउ टू, मतलब अननोन डेटा हम दोनों मिला के दे देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये बता रहा हूँ, ये है हमारा सुपरवाइज डेटा, ठीक है। यही जिस इनपुट और आउटपुट दोनों डाला है मैंने इसके अंदर, एंड उसके बाद हमने इसको ट्रेंड कर दिया, एक मॉडल तैयार कर दिया। अब हम जब इसके अंदर फ्रेश डेटा डालेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट और आउटपुट हमको एक आउटपुट निकाल के देगा, ठीक है। उसी को कहते हैं, अब इसमें से क्या है, सुपरवाइज में 80 और 20 का स्प्लिट रहता है यूजुअली। 80% जो डेटा है हमारा वो हमारा यूज टू ट्रेन द मॉडल, 80% डेटा, और 20% जो है यूज टू वेरीफाई हाउ टू प्रिसाइज ऑफ द मॉडल प्रोसेस अननोन डेटा। अब अननोन डेटा के लिए
जब हम अननोन डेटा डालेंगे तो 20% वो किस तरीके से प्रिसाइज करके आउटपुट देगा उसके लिए। इट इज नॉट गुड इफ द मॉडल परफॉर्म एक्यूरेट यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा, क्योंकि अगर हम पहले से डेटा हम जानते हैं, सपोज जैसे हमको पता ही है कि ये इतने इतने वोट आएंगे तो ये इंसान जीत जाएगा, तो ये तो डेटा हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास एक जब जैसे जैसे डेटा आ रहा है, जैसे जैसे वोटिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं अभी इतने लोगों की इतनी परसेंट वोटिंग हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फलाना पार्टी जीत रहा है या फलाना पार्टी नहीं जीत रहा है, जब तक वो फाइनल डेटा उसको नहीं मिल जाता है तो वो प्रिसाइज करके ना वो अकॉर्डिंग टू वो अपना आउटपुट देता रहता है। तो इट्स नॉट गुड टू परफॉर्म एक्यूरेट डेटा, ठीक है, एंड इनक्यूरेट फॉर द न्यूअर अननोन डेटा। तो ये हमारा सुपरवाइज होता है जिसको हम एडजस्ट ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से ट्रेन करते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा में जो भी है, जैसे इमेज हो सकता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, उस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं। टीचिंग अ चाइल्ड को हम कर सकते हैं कि जिस तरीके से टीचिंग अ चाइल्ड उनके नाम वगैरह ये सारी कैट बिल्ली ये सारी चीज़ को रिकोगनाइज करना, वो भी एज अ सुपरवाइज, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं सुपरवाइज लर्निंग को, हम बच्चों की जो पढ़ाई होती है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम बच्चों को दिखाते हैं ये देखो ये बिल्ली है ये कैट है ये चूहा है ये ए है ये बी है, हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, एक्चुअली में हम सुपरवाइज डेटा कर रहे हैं और हमने कुछ डेटा दिया है और जब उसके पास ये देखते हैं कि जब उसके पास कोई नया चीज़ आता है तो वो रिकग्नाइज एक बच्चा करता है कि नहीं ये इंसान है ये जानवर है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि वो अपने आप को दूर हटा सकता है या हमें बोल सकता है, तो सुपरवाइज डेटा ऐसा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब आते हैं अनसुपरवाइज, जिसके हम सिर्फ इनपुट देते हैं इसके अंदर आउटपुट नहीं देते हैं। तो हमने इसके अंदर इनपुट दिया और आउटपुट हमको नहीं देना है। तो अनसुपरवाइज डेटा के अंदर में क्या होता है कि नॉन बीइंग प्री लेबल्ड, हमारे पास जैसे एम जो सिस्टम है, सिस्टम टू ग्रुप ऑफ डाटा सिमिलर होते हैं और हम उसको जैसे सिंप्लिसिटी के लिए हम एक डेटा ले रहे हैं कैट एंड डॉग का, और हमारा गोल जो है, अब हम कैट को और डॉग को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, अनसुपरवाइज डेटा है। अब हम कंसिस्ट इसके अंदर क्या है, एक कुत्ता भी है और बिल्ली भी जो आप फोटो में देख रहे हैं। अब लर्निंग प्रोसेस हम इस तरह से फॉलो करते हैं जिसे आप देख रहे हैं। तो डेटा सेट एक बना हुआ है कि जिसके अंदर हमारे सिमिलरिटीज हैं, वो अपने डेटा के पैटर्न पे वो रिवील करेगा कि इसके अंदर में किस मॉडल को हमको फॉलो करना है और सेग्रीगेट करना है, इंसान अलग करना है जानवर अलग करना है। तो न्यू अनलेबल डेटा वो सेम टाइप के ट्रेन करके फीड होता है सिस्टम के अंदर में, और वो मॉडल को आइडेंटिफाई करके डेटा पैटर्न को उसके बाद एक हमारा ग्रुप डेटा देता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, अनसुपरवाइज डेटा के अंदर हम क्या कहते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। अनसुपरवाइज के अंदर हम क्या है, ये मान लो कि हमने एक कंसिस्ट ये डेटा लिया कैट एंड बिल्ली के इमेज का, ठीक है, और गोल क्या है हमारा, ये हटाइए, सिर्फ इसके अंदर हम अनसुपरवाइज में सिर्फ इनपुट डाल देते हैं। हमने एक इनपुट डाला, हमने कुछ इसके अंदर आउटपुट नहीं, ये ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट गैदर करने के बाद अपना एक ग्रुप बना के एक आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग सेल्फ लर्निंग पे वो हमें एक आउटपुट देगा। इसका इसके अंदर जो डिसएडवांटेजेस मेथड के अंदर, द मॉडल कैन नॉट बी प्लेस डेटा इन अदर ग्रुप, इसके अंदर हम अदर ग्रुप में नहीं कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि जो भी हमारा जिस चीज़ की भी हम डेटा लेना चाह रहे हैं वही डेटा हमें सेग्रीगेट करके दे देगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर में ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो है हमने एक डेटा दिया कुत्ते बिल्ली का
ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसको हम सेग्रीगेट करके अलग करके वो एक डेटा बना के दे दिया, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड ग्रुप इस तरह से होता है। अब यहाँ पे आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन ट्री जिसको कहते हैं। डिसीजन ट्री जो है वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल है जो हम बेसिक फॉर्म में डेटा, जितने भी डेटा है हमारा, ब्रोकन डाउन कर लेते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट कर लेते हैं उसके अंदर, और जो वन स्टार्ट ऑन द टॉप हमें टॉप पे रखते हैं, फिर ईच लेवल सेलेक्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू बेसिस ऑफ ट्री हम फाइनल आउटकम की तरफ डिसीजन लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक डेटा ले लिया हमने, अब यहाँ पे हम डिसीजन लेंगे। हमारे पास टायर्ड, अगर मान लो यहाँ टायर्ड 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 टायर्ड, अगर हम टायर्ड नहीं है, हाँ हम टायर्ड है, हंगरी नहीं है, हाँ है, इस तरीके, तो हमने सबसे अच्छा पहले हम ट्री बनाएंगे इसका डिसीजन लेने का। गुड मूड्स अच्छा है, गुड मूड्स, फिर हम उसके नीचे आएंगे, एक ट्री बना रहे हैं। डिसीजन ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉडल इन विच द बेसिक फॉर्म और ऑल द डेटा ब्रोकन डाउन इन सच अ वे इट कैन बी प्लेस इन द ट्री। जैसे कि ट्री गुड मूड, अगर गुड मूड है तो, अगर गुड मूड है सपोज है तो हम काम करके टायर्ड हो सकते हैं। अगर हम टायर्ड हो गए तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है नहीं हो पाएगा। अगर मान लो गुड मूड नहीं है तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने देखा कि गुड मूड जिसकी नहीं है, यहाँ पे देखो उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब है, वो हंगरी है, टायर्ड है। तो जब, अगर हमारा गुड मूड है तो हम काम करेंगे, हम टायर्ड हो गए, अगर हम टायर्ड हो गए सपोज़, अगर हम टायर्ड नहीं है, यहाँ पे हमारा नहीं है टायर्ड, तो हम प्रोडक्टिविटी, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम जहाँ जहाँ पे टायर्ड नहीं है सपोज़, या हम टायर्ड हैं, अगर हम टायर्ड नहीं है तो हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये हमारा टायर्ड नहीं है, तो हमने रिजल्ट निकाला कि हम काम कर रहे हैं। अगर हम टायर्ड हैं तो इसका मतलब कि हम हंगरी हैं, अगर हम हंगरी नहीं हैं तो फिर हम काम कर रहे हैं, अगर हम हंगरी हैं तो हम काम नहीं करेंगे, नॉट प्रोडक्टिविटी। इस तरीके के रिजल्ट को हम निकाल के इस चार्ट से डिसीजन मेकिंग चार्ट बना लेते हैं और फिर हमारा काम ईजी हो जाता है। न्यूरल नेटवर्क जिस तरह से हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है, ये काम कर रहा है कि नहीं। जहाँ पे हमारे बहुत सारे सिग्नल आते हैं और सिग्नल ये जंक्शन है, न्यूरॉन जंक्शन जिसे कहते हैं, यहाँ से एक केमिकल लोचा होता है जिसको मैं कह सकता हूँ क्योंकि बायोलॉजी मुझे नहीं पढ़ाना, एंड यहाँ से डेंड्राइट जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, फिर वो आउटपुट को लेते हैं, फिर वो आगे पास करते रहते हैं। इस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, इसी तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क भी कॉपी है। न्यूरल नेटवर्क जो है वो एकदम कॉपी है, इंस्पायर्ड जो ह्यूमन ब्रेन की फंक्शंस के थ्रू लिया गया है, जिसके अंदर रिसेप्टर है जहाँ से, और कॉम्प्लेक्स है। बस इसके अंदर जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क जो है, वो बहुत सारे डेटा एक साथ लेता है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ फ्लो करता है। इसके वजह से इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जो नंबर ऑफ लेयर है न्यूरल लेयर की बहुत वेरी करती हैं। 2026 के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक इमेज रिकग्नाइजेशन हुआ था उसमें 152 लेयर्स थे, यू कुड इमेजिन। तो दो न्यूरल नेटवर्क्स जो है इंटरकनेक्ट जो हो रहे हैं या जो भी हमारे डेटा पास कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, एंड बेसिकली एआई को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये एआई कैसे काम कर रही है, किस किस तरीके से, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी अब जैसे एनएलपी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग से एक नई वीडियोस लाऊंगा। मशीन लर्निंग की जो प्रोसेस है इस पर मैं एक वीडियोस ला चुका हूँ, फिर भी मैं अलग से वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें, कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट में बताइएगा, सुधारने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।